स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है गुलजार अहमद अंसारी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की। भारत और चीन की सेना हर थोड़े समय के बाद आमने सामने होती है, इसकी वजह क्या है? भारत और चाइना के बीच सीमा को लेकर विवाद हमेशा बना रहता है, लेकिन ये विवाद कभी कभी खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। सबसे पहले हम भारत और चीन की जो सीमाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। उस मैकमोहन रेखा को इस इमेज में रेड लाइन के जरिए दिखाया गया है। ये मैकमोहन रेखा 1914 में बनी थी, लेकिन चीन ने 1962 में भारत के साथ एक संघर्ष किया और इस संघर्ष की वजह थी 1959 का तिब्बती विद्रोह। इस तिब्बती विद्रोह के बाद जब तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया तो दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी, जिसकी वजह से 1962 में एक संघर्ष हुआ और लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। लद्दाख का वो हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस फोटो में जैसे जो अक्साई चीन लिखा हुआ है, ये हिस्सा है जो चाइना ने भारत का अपने कब्जे में ले लिया है। 1962 के बाद भारत और चीन की सेनाएं जिस सीमा रेखा पर रुकी थी उसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। 1962 में भारत के लद्दाख के अक्साई चीन को अपने कब्जे में करने के बाद भी चीन अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता, सीमा पर आए दिन नापाक हरकतें करता रहता है। भारत और चीन की सीमा का विवाद ये सुलझता क्यों नहीं? इसकी वजह ये है कि चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर या तो पहाड़ी, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिस पर बर्फ़ जमी रहती है, या तो लेक और नदियां बनी हुई हैं जिसकी वजह से सीमा का जो विभाजन है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया है, और चाइना उसी का फ़ायदा उठाकर बीच बीच में अपनी गंदी हरकतें करता रहता है। 1962 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद 1996 में एक समझौता हुआ जिसमें दोनों देश की सेनाओं को ये ऑर्डर दिया गया कि कोई भी सीमा पर जब पेट्रोलिंग करेगा तो बिना किसी हथियार के साथ ही पेट्रोलिंग करेगा। ये समझौता इसलिए हुआ था ताकि भारत और चाइना के बीच जो विवाद है वो आगे ना बढ़े, लेकिन वो चाइना है, वो विवाद को ख़त्म कहाँ होने देता है। 1962 के बाद ठीक 58 साल के बाद जून 2017 में भारत, चीन और भूटान की सीमा जहाँ पर ट्रायंगल बनाती हैं डोकलाम में, वहाँ पर एक खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की वजह सीमा के पास सड़क को बनाना था, और अभी हाल ही में इसी महीने में जून 2020 में 14-15 जून को चीन ने फिर से एक नापाक हरकत की और भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया। कई सारे जवान जख्मी हुए और 10 जवानों को कैद कर लिया, और इस संघर्ष में चीन के भी करीब 45 सैनिक मारे गए। और ये जो संघर्ष हुआ ये लद्दाख के ही गालवान घाटी में हुआ। ये गालवान घाटी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये कहाँ पड़ती है, ये आप देख लीजिए, ये गालवान घाटी पड़ती है लद्दाख में। यहाँ पर चीन ने नापाक हरकत की। भारत चीन की सीमा पर कितना मजबूती से खड़ा है, भारत और चीन के पास कौन कौन से हथियार हैं, भारत और चीन में कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास परमाणु शक्ति ज़्यादा है, इन सारे सवालों का अगले वीडियो में